आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, और मोल कंसेप्ट में मोल को पढ़ेंगे, मोल है क्या। उसको पढ़ने के लिए मैं आपसे बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिसको शायद आपको बुक्स को भी रेफर करना पड़े। फटाफट से मुझे आंसर दे दीजिए। 1 डज़न इज इक्वल टू, क्वांटिटी कितनी होती है, कितने आर्टिकल्स होंगे 1 डज़न। ठीक है, आई विल बी राइट बैक इन ए शॉर्ट वाइल। कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मंजोत्रा, और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया लेक्चर, नया वीडियो। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपका आपका गुरुकुल चैनल में। कुछ देर पहले मैंने आपको एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा था। कहोगे सर क्या है, आप मजाक करने लग गए हो, आप ये क्या मजाक था, 1 डज़न में कितनी चीज़ें होती हैं। ये तो एक मेरे ख्याल में कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा ही बता देगा, 1 डज़न में 12 आर्टिकल्स ही होते हैं, और कितने होते हैं। और इसका, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, पर इसका लिंक मोल के साथ क्या है, इसका इस कॉन्सेप्ट का मोल के साथ कोई लेना देना ज़रूर है। कैसे है, अब थोड़ी देर बाद उस चीज़ को समझेंगे। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता है कि 1 डज़न में 12 चीज़ें होती हैं, 1 डज़न अगर बनाना होंगे तो 12 बनाना ही मिलेंगे। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, मोल का मतलब समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मोल है क्या। अगर मोल के वर्ड को देखें, मोल का मतलब क्या है, अगर इसकी डिक्शनरी में मतलब देखा जाएगा, तो 1869 में ओस्वाल्ड विल्हेम ने इस लैटिन टर्म को समझा, डराइव किया, और इसका मतलब क्या था, हीप और पाई। कहने का मतलब लार्ज नंबर, या किसे कहते हैं बहुत ज्यादा संगठन किसी चीज का, ठीक है, या इकट्ठ हम कह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज हीप और पाई। तो मोल भी क्या हुआ, मोल को एग्जैक्टली देख के, अगर केमिकल उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो क्या बोलते हैं इसको, केमिकल काउंटिंग यूनिट। क्या मतलब इसका, केमिकल काउंटिंग यूनिट। पहले मोल को एक लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए तो ये क्या है, मोल क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है अ लार्ज नंबर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक किसी मैटर की क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ मैटर, या लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या क्या कर रहा है वो, किसी मैटर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, तो इस चीज को समझने से पहले हम इसका अगर डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन क्या कहती है। तो ये डेफिनेशन क्या है, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज दैट क्वांटिटी नंबर, ये क्वांटिटी क्वांटिटी नंबर हैविंग मास, जिसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास के इक्वल। पर कौन सा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जब हम किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे। तो अगर हम देखें तो इसकी जो पार्टिकल नंबर, हम जो क्वांटिटी नंबर बोल रहे हैं वो क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10^23। ये क्या लिखा मैंने, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10^23। अगर इस चीज को मैं कहूं 1 मोल एटम्स कहूं, तो यहां पे भी क्या आएगा, एटम्स। ये इस कॉन्सेप्ट का अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके से समझेंगे, जैसे मैंने वही आपको एक क्वेश्चन पूछा था बड़ा मुश्किल सा, कि 1 डज़न किसके इक्वल होता है। चलिए अब वो देखते हैं, पहले वो कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो चीज क्या थी। 1 डज़न अगर मैं कहूं, 1 डज़न एग्स कहूं, वो किसके इक्वल होगा, 12 एग्स। ये तो हमें पता ना,
एक डजन में कितने अंडे होंगे? आपको पता ऑब्वियसली कितने हैं, 12। एक डजन का मतलब क्या है? 12। अगर एक डजन बनाना की बात करूं, वो भी कितने होंगे? और इसमें मुश्किल कौन सी चीज है, ये भी क्या होंगे? 12 बनाना होंगे। अगर वन डजन पेंसिल्स की बात करूं तो वो भी कितनी होंगी? 12 पेंसिल्स होंगी। वैसे ही अगर हम वन मोल की बात करेंगे तो वो वन मोल किसके इक्वल होगा? 6.022 × 10⁻²। पर दोनों में फर्क क्या है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के लिए ये टर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे एटम्स लेंगे तो ये भी क्या आएगा? एटम्स आएगा, क्योंकि वन डजन अगर हमने एग्स लिए हैं तो यहां पे भी क्या आया? 12 एग्स आया। वन मोल अगर हम एटम्स लेंगे तो यहां पे भी क्या आएगा? एटम्स लेंगे। वन मोल अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो भी, इसकी क्वांटिटी भी क्या सेम है, 6.022 × 10⁻²। मॉलिक्यूल्स। अगर आयंस होंगे तो उसकी भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो ये चीज क्या थी, ये आर्बिट्रेरी नंबर थे। वन डजन का मतलब क्या बना दिया लोगों ने? 12। अगर कपल की बात करूं, कपल का मतलब क्या था? अगर हम कपल की बात करें, ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आते हैं दो लोग। अगर डजन की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आते हैं? 12। ठीक है ना, तो ये आर्बिट्रेरी थे। अगर वो एक डजन को 14 भी कह देते तो आज वो हम आज भी उस चीज को एक्सेप्ट कर देते। वन डजन इज इक्वल 14 कह देते तो 14 को मानते। अगर वन डजन 15 कहते तो 15 को मानते। पर ये चीज वन मोल इज इक्वल 6.022 × 10⁻²। ये जो हमारे पास ऐसे बोलते एवोगैड्रो नंबर था, ये आर्बिट्रेरी नहीं था, इसके पीछे भी कोई लॉजिक था। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हमने पिछले लेक्चर में मैंने कार्बन के बारे में बताया था कि वाई कार्बन इज कार्बन टेकन एज ए स्टैंडर्ड, उसमें ये कंसेप्ट आपको शायद बताया गया। ठीक है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस चीज को देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये वन, अगर हम इसमें देखो कि वन डजन एग्स इज इक्वल 12 एग्स, इसका अगर हम वेट देख लें तो सपोज हम 12 एग्स का वेट कितना होगा, हम सपोज मान लेते हैं 1 kg। अगर 12 बनाना का होगा वो कितना होगा, सपोज हम कहते हैं 2 kg। अगर इसका वन डजन पेंसिल का होगा तो हम कहते हैं 1/2 kg। इनका वेट वेरी कर रहा है, इनका क्या कर रहा है, वेट वेरी कर रहा है, पर उसमें जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैसे ही यहां पे भी कुछ ऐसे ही है, वन मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²। ये किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास। जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखेंगे तो वो क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। यहां पे मॉलिक्यूल आ गया तो यहां पे क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको अगर हम ग्राम्स में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसकी क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे हम ये क्या चीज कह रहे हैं। ठीक है, यही चीज बताइए, इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलर मास इन ग्राम्स। ये मोल किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। ये वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल लें हम, जैसे वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स, एक मोल कार्बन एटम में एटम्स का कितने एटम्स होंगे, 6.022 × 10⁻²³ कार्बन एटम्स। क्या आएगा, एक मोल में कितने होंगे, 6.022 × 10⁻²³ कार्बन एटम्स, क्योंकि अगर एग्ज है तो एग्ज ही लिखेंगे, यहां पे कार्बन एटम्स, यहां पे भी क्या आएंगे, कार्बन एटम्स आएंगे। वो किसके इक्वल है, यहां पे भी हमने बात की ग्राम एटॉमिक मास के। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 12। अगर उसको हम ग्राम्स में लिख दें तो क्या बन जाएगा, वो 12 ग्राम। अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये चीज क्या थी, वन मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 12
ग्राफ। ये इक्वेशन अगर हम समझेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि हम सारे के सारे न्यूमेरिकल आसानी से इसी इक्वेशन से करेंगे, हमें फार्मूलाज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हम एक और एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पे क्या आएगा, वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अगर यहां पे मॉलिक्यूल्स है तो यहां पे भी क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो कितने हैं 6.022 × 10⁻², यहां पे भी क्या आया, मॉलिक्यूल्स आया। पर मॉलिक्यूल्स में क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, पर मॉलिक्यूलर मास अगर इसमें उसके ग्राम से ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, अगर हम यहां पे ग्राम्स लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल का वेट कितना है, दैट इज एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना है 18 ग्राम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो हमने मोल मोल ही क्यों लिया था, ठीक है ना, देखो सिंपल सी चीज है कि जैसे एटम्स बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कुछ बहुत ही छोटे हैं, हमें देख भी नहीं सकते, तो इनको हर एक को काउंट करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। जैसे मैं हम एग्जांपल लें, जैसे चावल है, चावलों के दाने हैं ना, या हम कैसे ग्रेन्स कह सकते हैं या चावलों के दाने कह सकते हैं, एक एक दाने को गिनना हमारे लिए, काउंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर हम उसे बेचना हो, चावलों को बेचना हो तो हम कैसे बेचते हैं, उनको पैक्स में बेचते हैं ना, 100 kg, 1000 kg, वो इस तरीके से बेचेंगे, 1 kg इस तरीके से पैक बना के हम सेल उसको बेचेंगे, सेल करेंगे। वैसे ही हमने क्या किया, काउंट करना हमारे लिए पार्टिकल्स को या एटम्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल था, हमने क्या कर दिया, उसको उसको एक नाम दे दिया, उसकी क्वांटिटी ले ली हमने, वो क्या ले ली, दैट इज द वन मोल, क्या ले ली, वन मोल। ये हमारे लिए वे करना, जो वे करना था वो हमारे लिए क्या था, थोड़ा सा आसान है, किसकी बजाय कि हम उस चीज को, हर पार्टिकल को, हर एटम को काउंट करें। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए चावलों की, एग्जांपल दिए, उनको काउंट करना मुश्किल है, पर उनको वे करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तभी हमने ये मोल का कंसेप्ट हम केमिस्ट्री में लेके आए। ठीक है जी, चले आगे। फिर कहीं के दिमाग में आता कि हम एक सिंपल सा मोल का, एक सिंपल सा ऐसे भी ले सकते थे, 10⁻², 10⁻², 10 ऐसे भी ले सकते थे, ये क्यों लिया 6.022 × 10⁻²। मैंने पहले भी कहा था कि इस तरीके से 1 dozen 12 = 12, ये हमारे लिए एक आर्बिट्री नंबर है, 13 भी ले सकते थे, 14 भी ले सकते थे, पर 1 mole = ये नंबर आया, एवोगैड्रो नंबर आया, जो ये आर्बिट्री नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे हम देखते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, कार्बन की एग्जांपल ही ले, जैसे कार्बन हमारे पास है, तो कार्बन क्या है, दैट इज 12 ग्राम, ये क्या बता रहा है, 12 ग्राम, एक मोल में कितना है 12 ग्राम, एक मोल कार्बन में कितने हैं 12 ग्राम, 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12 डिवाइडेड बाय, हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन के एटम का वेट निकाला, वो कितना था, दैट इज 1.992648 × 10⁻²⁷ ग्राम पर कार्बन 12 एटम। जब इसको डिवाइड करके देखा गया तो हमारे पास ये नंबर आया, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर, जो कितना नंबर था 6.022 × 10⁻²⁷, हमारे पास क्या आ गए, ये एटम्स आ गए कितने, एक मोल में। तो ये वहां से हमारा एवोगैड्रो नंबर निकल के आया कि 12 ग्राम थे कितने में, एक मोल में, बता कि एक मोल में कितने होते हैं 12 ग्राम, 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय, इसको हमने स्पेक्ट्रोमीटर से इसका एक कार्बन एटम का वेट निकाल लिया, वो कितना था 1.992648 × 10⁻²⁷ ग्राम पर कार्बन एटम। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, एक एवोगैड्रो ये नंबर आया, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, इतने एटम्स थे एक मोल में। तभी हम हर जगह पे क्या ले रहे हैं, 1 mole = 6.022 × 10⁻²⁷, 23 यहाँ पे एटम्स आए, यहाँ पे एटम्स आया, मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एटॉमिक मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास पे फर्क किस चीज का है। एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एक एटम का, एक एटम का मास, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12,
तो ये एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, 12 U या AMU। अब मोलर मास किसके लिए यूज किया जाता है, मोल्स के लिए, 1 मोल। मोलर मास किसके लिए यूज किया जाता है, मोल के लिए। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए, यही फर्क था। एटॉमिक मास एटम के लिए, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के लिए, मोलर मास मोल के लिए। ठीक है, अब मोल में भी क्या हो सकते हैं हमारे पास, 1 मोल एटम्स हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर तो 1 मोल एटम्स हैं तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब कैसे, जो हमने पहले किया था, सपोज हमारे पास क्या है, 1 मोल कार्बन C12 एटम्स किसके इक्वल होता है, 6.022 × 10⁻²³ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू, अब क्या आएगा इसका, ग्राम एटॉमिक मास। कितना होता है ग्राम एटॉमिक मास इसका, 12 ग्राम। कहने का मतलब कि यहां पे हमने क्या लिया, ग्राम एटॉमिक मास किसका, 1 मोल। 1 मोल किसके इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास के। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल कार्बन किसके इक्वल है, 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होगा। मतलब 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स पड़े हैं, 1 मोल पड़ा किसका, कार्बन एटम्स का, C12 एटम्स का। तो यही चीज है कि 1 मोल, 1 मोल क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, 1 मोल का मास निकालते हैं, जिसमें हम 1 मोल मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, जिसमें हम 1 मोल एटम्स का मास निकालते हैं। अगर 1 मोल एटम का निकालेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे हमने कहा 1 मोल कार्बन एटम्स का एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम। जैसे 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे तो वो सेम ही रहेगा एवोगाड्रो नंबर, पर यहां पे क्या आया हमारा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्यों ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमने क्या लिया, क्या लिया, वाटर, वाटर लिया मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो गया, 18 ग्राम। ये क्या लिया, 18 ग्राम, ये वाला ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में लिख लें तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, जिसमें 1 मॉलिक्यूल का, 1 मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, जैसे वाटर था, वाटर का क्या आ गया, 18 U। ये था एटम का, ये था मॉलिक्यूल का, ये था मोलर मास किसका था, किसका था, 1 मोल का। पर ये किस में लेते हैं हम, ग्राम्स में लेंगे, ये भी किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे। ये था थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस, ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इनमें फ़र्क किस चीज़ का है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगर आपने इसके बारे में और स्टडी करना है एटॉमिक मास के बारे में, तो आई बटन पर क्लिक करके आपको वो सारा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास क्या है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम अगले नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।